आशीष सर क्लासेस। जी हाँ, सागर का एकमात्र सबसे सस्ता और सबसे अच्छा प्रतियोगी परीक्षाओं का कोचिंग सेंटर, वो भी सभी फैसिलिटी के साथ। तो आइए और कीजिए अपने सपनों को साकार। हमारा उद्देश्य शिक्षा व्यवसाय ना बने और हर गरीब बच्चा शिक्षा को प्राप्त कर अपने सपने पूरा कर सके। साप्ताहिक एवं मासिक टेस्ट की व्यवस्था, 100% सफलता की गारंटी, शांति और अनुशासन के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आशीष सर, 95 84 83 66। भी प्रदेश के सागर जिले की गड़ाकोटा पुलिस के द्वारा छेड़छाड़ के फरार आरोपी को कटनी से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक अक्टूबर माह में पीड़िता द्वारा गड़ाकोटा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें अविनाश गुप्ता पर यह आरोप लगाया गया था कि उसके द्वारा छेड़छाड़ और मारपीट की गई है, जिसके बाद आरोपी अविनाश गुप्ता पिता सुरेंद्र गुप्ता के ऊपर कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया था और कई दिनों से फरार चल रहा था, जिसे कटनी से गिरफ्तार कर पेश किया गया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है। इस मामले में गड़ाकोटा थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर कई दिनों से फरार चल रहे आरोपी अविनाश गुप्ता को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसे न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया है। आरोपी विद्यार्थी परिषद का पदाधिकारी होना और कटनी का रहने वाला बताया गया है। नीलेश दुबे, खबर एक्सप्रेस न्यूज, गड़ाकोटा। इनका मामला दर्ज हुआ था और उसमें आज आरोपी पकड़ा गया है, क्या मामला था? ये अक्टूबर के महीने में पीड़िता जो यहाँ पर नर्स की सेवा करती है शासकीय अस्पताल में, इसके द्वारा अक्टूबर के महीने में आरोपी अविनाश गुप्ता के विरुद्ध छेड़छाड़ करने, मारपीट करने संबंधी रिपोर्ट की गई थी, जिस पर से आरोपी के विरुद्ध प्रकरण थाना गड़ाकोटा में पंजीबद्ध किया गया था और विवेचना की गई थी, जिसमें पीड़िता के कथन भी लिए गए थे। इसके उपरांत लगातार आरोपी की तलाश पतराशी के प्रयास पुलिस द्वारा किए जा रहे थे, किंतु आरोपी का तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही थी। आज गड़ाकोटा पुलिस को उसमें आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें आरोपी को आरोपी अविनाश गुप्ता पिता सुरेंद्र गुप्ता निवासी कैमूर कटनी को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और जहाँ से माननीय न्यायालय द्वारा उसको न्यायिक अभियक्ष में प्रेषित किया गया है। श्री ठाकुर बाबा कंस्ट्रक्शन, हमारे यहाँ रेत और गिट्टी उचित दामों पर उपलब्ध है। रेत और गिट्टी के लिए संपर्क करें हर्ष नेमा, चांदपुर वाले। हमारा पता है मेन बस स्टैंड रहली देवरी रोड, चांदपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 91 31 25 97 36।